हमेशा फॉलो करते हैं टाइमलाइन। जब आप टाइमलाइन फॉलो नहीं करोगे तो आपकी इवेंट्स आपको याद नहीं रहेंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 टू 1918, इसकी हमने बतानी है कि हमारी कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज हो, क्या चेंजेस आए हमारी कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने मेन बतानी है डिस्ट्रक्शन, हमारी कंट्री में ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो डिस्ट्रक्शन हुई एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हेल्पफुल हुई इंडियंस के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इतना टॉर्चर किया, इतना एक्सप्लॉइट किया दैट पीपल दे लॉस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस अमंग ब्रिटिश रूल। सो दैट्स व्हाई लेटर ऑन व्हेन सत्याग्रहस एंड मूवमेंट्स वर स्टार्टेड मेनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स टू गेट इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इसमें हमने क्या बताया था, वॉर रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होता है, इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बॉम्बार्डमेंट हुई बिकॉज इंडिया को ब्रिटेन को सपोर्ट करना पड़ा बिकॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा फिर हमने बताना है टैक्सेस वर इंक्रीज, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट को क्या बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसमें क्या बताया दैट employment facilities were not given to the people, poverty was there, epidemic, famine problem, shortage of food, और सबसे बड़ी problem क्या थी, rise in prices। जब चीजों की shortage होती है तो prices बढ़ जाते हैं, high prices, inflation। ठीक है, और ये सारी problems के कारण हम कह सकते हैं कि first world war that led to new economic and political situation in the country and this also led to the feeling of nationalism and patriotism in the mind of Indians। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, एनी डाउट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 टू 1918 में इंडियन पीपल सफर्ड अ लॉट बिकॉज वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट होती तो शायद लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, सो दैट्स व्हाई पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द ब्रिटिश। क्लियर? एनी डाउट? ये हम कर चुके हैं टॉपिक, कोई डाउट है तो बता दो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, we have completed this topic, इसके बाद फिर start करेंगे coming of advent of 1915 with the coming of Mahatma Gandhi in India। 1915 यानी कि world war अभी चल ही रही थी, महात्मा गांधी वापिस आए, इससे पहले कहां से वापिस आए ये आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका, वहां पे ये अपनी लॉ की प्रैक्टिस यानी कि जॉब जैसे होती है क्योंकि उन्होंने लॉ किया था, इससे पहले वो लंदन गए थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में अपना करियर छोड़कर वो वापस इंडिया आए क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या था, टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर द इंडियंस। एंड इवन इन साउथ अफ्रीका देयर ही आल्सो फॉट फॉर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। अब आपने क्या याद रखना है, जब वो 1915 में आए, आते ही उन्होंने अलग अलग जो है वो एरियाज जो है उनको विजिट किया, तो इन एरियाज को इस तरह से याद रखो, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, CKA, ऐसे आपको याद रहेगा। 1915 के बाद सबसे पहले चंपारण गए, फिर खेड़ा गए, फिर अहमदाबाद। ये आपके मैप के प्लेसेस भी है ना, मैप के प्लेसेस भी हैं, सी फॉर चंपारण इन बिहार। ठीक है, और चंपारण में उनका जो मेन सत्याग्रह था, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया, सत्याग्रह हिंदी का वर्ड है, सत्या मतलब सच के अगेंस्ट लड़ाई, अगर आपका कॉज, इफ योर कॉज इज ट्रू, आप जिस पर्पस के लिए लड़ रहे हो, इफ इट इज ट्रू देन यू विल डेफिनेटली विन, क्योंकि ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इनका सच क्या था, किनका सच, जो 1916 में चंपारण में इंडिगो प्लांटर थे, इंडिगो मेन ये बताना है, ये जो लड़ाई थी किनकी थी, इंडिगो प्लांटर्स की, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो प्लांटर्स को कंपेल करती थी इंडिगो ग्रो करने के लिए, लेकिन ये प्लांटर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि अगर वो अपने फार्म्स में इंडिगो ग्रो करेंगे तो उनकी लैंड क्या हो जाती, बैरन हो जाती, और उनको इतना प्रॉफिट भी नहीं होता था। सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जी ने इन प्लांटर्स को कन्विंस किया कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी आवाज उठाओ, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करो, पीसफुल, पीसफुल मींस नॉन वायलेंस। तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ मास एजिटेशन इन अ नॉन वायलेंस वे। इसमें क्या होता है, जो ऑपरेशर होता है, ऑपरेशर का मतलब क्या होता है, जिसको दबाया जाता है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, वो नॉन वायलेंस मेथड के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने प्रोटेस्ट करता है,
रैलीज करता है पीसफुल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ खेड़ा। खेड़ा में प्रॉब्लम किनके साथ थी बेसिकली, कौन किनकी लड़ाई थी? पीजेंट्स रिवोल्ट। जैसे इवन रिसेंटली आपने पीजेंट का रिवोल्ट देखा है, उनकी मूवमेंट्स देखी हैं, तो ऐसे ही 1917 में जो पीजेंट्स थे दे हैड टू पे हाई रेवेन्यू, और इनकी लड़ाई किनसे थी? ब्रिटिशर्स के साथ थी। तो इनके लिए सच क्या था? इनके लिए सच था दैट दे वॉन्टेड दैट देयर हाई रेवेन्यू शुड बी क्या हो जाए, रिड्यूस या लो। ठीक है, और इसलिए उनका कॉज ट्रू था, तो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी ही कन्विंस द पीजेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द सत्याग्रह। देन अहमदाबाद, अहमदाबाद में किनकी लड़ाई थी? कॉटन मिल, जो मिल्स में काम करते थे उनके लिए सच क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने का मोटिव क्या था? ये मिल वर्कर्स मिल में काम करते थे बट दे वर पेड लेस, उनकी वेजेस बहुत कम थे, फैमिलीज जो हैं तो दे सफर्ड अ लॉट, सो दैट्स व्हाई दीज वर्कर्स वांटेड दैट इंक्रीज इन वेजेस, और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया और इनको कहा कि सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करो ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई जाएं, और आपका आपकी जो प्रॉब्लम है कि वेजेस को इंक्रीज किया जाए, अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाओ, इनके लिए सच की लड़ाई है। क्लियर? तो 1916, 1917, 1918 में ये सत्याग्रह लॉन्च किया, ये आपने बताना है। मीनिंग अच्छी तरह से याद करो, फिर आपको आ सकता है राइट अ नोट ऑन सत्याग्रह, डिफरेंट सत्याग्रह लॉन्च हुआ महात्मा गांधी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। क्लियर? इसके बाद फिर 1919 रॉलेट सत्याग्रह, ये क्या था रॉलेट सत्याग्रह? इसमें किसके अगेंस्ट लड़ाई थी? ये किसी प्लेस में नहीं, ये पूरे इंडिया में। ठीक है, ये रॉलेट सत्याग्रह पूरे इंडिया में स्टार्ट किया गया, किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉ बनाया था 1919 में, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। एम आई ऑडिबल टू यू? अंशिका, हरजोत, हरसिमरन, कनिष्का, कार्तिक, ओके, यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1919। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे एक जिसे हम कहते हैं कि क्रूअल एक्ट जो था, दैट वाज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को किसने पास किया था? सर जस्टिस रॉलेट उनका नाम था, और उन्हीं के नाम के ऊपर इस एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट का मतलब क्या था? वन मार्क मीनिंग या टू मार्क में आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय रॉलेट एक्ट? तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पुलिस वॉज गिवन अनलिमिटेड पावर्स। पुलिस जो थी, ब्रिटिश पुलिस, नॉट इंडियन, ब्रिटिश पुलिस वॉज गिवन अनलिमिटेड पावर्स टू अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। सर जस्टिस रॉलेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश पुलिस वॉज गिवन एनॉर्मस पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स, दैट दे कैन अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। किनको? जो इन सत्याग्रह में क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे या लीड कर रहे थे। पुलिस कैन अरेस्ट एनी लीडर, एनी पर्सन, एनी प्रिजनर फॉर टू इयर्स विदाउट ट्रायल का मतलब होता है केस, किसी भी केस के बिना, वारंट के बिना। मतलब ब्रिटिश पुलिस क्या करेगी? जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे, जो लीडर्स होंगे, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल देगी, डिटेन कर देगी। क्यों? ताकि लोग क्या करें? पार्टिसिपेट ना करें, रैलीज ना करें, मूवमेंट्स ना करें। अब जब महात्मा गांधी को इनके बारे में पता लगा, तो उनको लगा कि ऐसे तो सत्याग्रह इसको लॉस होगा, तो दे स्टार्टेड सेम ईयर, इन द सेम ईयर 1919 ही स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। इस रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने क्या किया? इंपॉर्टेंट डेट अब याद रखो, कौन सी डेट? 6 अप्रैल 1919 हड़ताल डिक्लेयर की ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, अमृतसर, पंजाब के बाकी पार्ट्स में, और जितने भी लीडर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया? इस एक्ट को यूज करके लीडर्स को क्या करना शुरू कर दिया? अरेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी जी की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी, यानी कि वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। और अमृतसर, सबसे पंजाब में सबसे मेन सेंटर क्या था? अमृतसर। अमृतसर में कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मेन दो इंपॉर्टेंट नेम आपने याद रखने हैं, डॉक्टर सैफियुद्दीन
एंड डॉक्टर सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सैफ्युद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल किचलू अमृतसर में इनको अरेस्ट कर लिया। इनको जब अरेस्ट किया उसके बाद लोगों ने फिर से रैलीज करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमृतसर में क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। डॉक्टर सत्यपाल किचलू एंड डॉक्टर सैफ्युद्दीन ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो सत्याग्रही या मूवमेंट्स को पार्टिसिपेट या लीड कर रहे थे, देवर अरेस्टेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट का लीडर्स को अरेस्ट करने का मेन मोटिव क्या था, सत्याग्रही की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ठीक है। मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने के बाद, मार्शल लॉ का मतलब क्या है कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी भी तरह से डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 वैशाखी सेलिब्रेशन जब थी, उस दिन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, कई लोगों को नई न्यूज मिली इसकी मिली और कईयों को मिली भी, तो उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। एंड ऑल दीज इनोसेंट पीपल दे गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग एंड दे वर अटैक्ड बाय जनरल डायर। ये हमने सारा किया हुआ है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपने याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 तो ये रॉयल अटैक, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये कंबाइन है, आप इसको अच्छी तरह से याद करो, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, 1919 के बाद फिर महात्मा गांधी जी एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को क्या किया जाए, कंबाइन, और उनकी यूनिटी को ब्रिटिशर्स के सामने दिखाया जाए। बिकॉज ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम दे वर फॉलोइंग विच पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अब आया इंपॉर्टेंट ईयर 1920। अब जैसे आपने मैप में ये प्लेस में मैप से एसोसिएटेड है, कैलकटा एंड नागपुर, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेसेस जो हैं इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए। सबसे पहले कैलकटा में हुआ, कैलकटा में कौन से मंथ में हुआ था, सितंबर, और नागपुर में कब हुआ, दिसंबर। क्या हुआ था इसमें, क्या डिस्कस किया गया, महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पीरियड में खिलाफत कमेटी के बारे में सुना था। ये खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में, किसने बनाया था इसको, अली ब्रदर्स, ये आप नाम याद रखो, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, कौन थे ये अली ब्रदर्स, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, किसके अगेंस्ट कमेटी बनाई, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की, टर्की जो था वो एक हारी हुई कंट्री थी, टर्की के जो पॉलिटिकल लीडर थे उसको सभी मुस्लिम्स अपना रिलीजियस गुरु मानते थे, और उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज इम्पोज कर दी, तो जिससे ऑल ओवर द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड दे टर्न्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और इसीलिए उन्होंने खिलाफत मतलब उनके अगेंस्ट, खिलाफ एक कमेटी बनाई। महात्मा गांधी जी ने इस कमेटी के लीडर्स को अपने साथ मिलाया और INC के सेशन कैलकटा में डिस्कशन की कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत जो इशू है इसको कंबाइन किया जाए। लेकिन कैलकटा में जो सेशन हुआ इसमें कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो इसको कंबाइन नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद सेम ईयर यानी कि 1920 में नागपुर में फिर से सेशन बुलाया गया और उसके बाद प्रपोजल पास किया गया नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत को कंबाइन करने के लिए, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट कब हुई, 1921, ठीक है, 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू स्टार्टेड। अब इतना करने के बाद ये तो है सारा राइट एंड नोट ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि कैसे हुई, कैसे इसको कंबाइन किया गया। फिर अब हमने इसमें बताना है पार्टिसिपेशन बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहां पे आपने बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि जब मैं आपको बोलती हूँ पार्टिसिपेशन बाय डिफरेंट ग्रुप्स तो ये आपके दो अलग अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं, इकट्ठा भी बनता है। अगर तो मैं कहती हूँ कि पार्टिसिपेशन सिंपल पार्टिसिपेशन है तो टाउन पीपल, सिटी पीपल या मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। दूसरी तरफ सिमरप्रीत अपना अलग से बैठ जाओ, ठीक है, आप डिस्टर्ब करो प्री क्लास के बाद, अलग से बैठ जाओ या उधर हो जाओ। हाँ जी, दूसरा है कंट्री साइड
बेटा जब भी वर्ड कंट्री साइड आएगा ना, कंट्री साइड में मीन्स विलेज एरियाज, विलेज एरियाज में, विलेजर्स में कौन कौन होते हैं मेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट पीपल, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, प्लांटर्स जो प्लांटेशन में काम करते हैं, प्लांटर्स, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय डिफरेंट ग्रुप्स, एक तरफ आएगा टाउन पीपल की पार्टिसिपेशन, दूसरी तरफ आएगा कंट्री साइड, ठीक है। हाँ जी, क्या बना रहे हो बच्चे? बेटर टू क्लोज योर नोट, ड्राइंग नहीं करनी आपको। हाँ जी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ टाउन पीपल, इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। इनके अलग अलग, जिसे हम कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हर पर्सन का अपना अपना मोटिव था। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले आपने बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट मेथड, ठीक है। इसमें वन बाय वन आपने बताना है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उनकी पार्टिसिपेशन क्या थी। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्या किया इन्होंने, दे लेफ्ट स्कूल्स। कौन से स्कूल? ब्रिटिश। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन यानी कि 1909, ये इंपॉर्टेंट ईयर याद रखो, 1909 में महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, क्या नेम था? हिंद स्वराज। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय महात्मा गांधी 1909? हिंद स्वराज। उसमें जब उन्होंने बुक लिखी थी ना 1909 में, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि ब्रिटिशर्स आर इन अवर कंट्री बिकॉज वी आर सपोर्टिंग देम, इफ वी विल स्टॉप सपोर्टिंग देम, जब हम उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज दे आर जस्ट आर गेस्ट, हम अगर अपने घर में गेस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गेस्ट, दे विल फील देमसेल्फ इंसल्टेड। सिमिलरली अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको लॉस पहुंचाएंगे इकोनॉमिक फ्रंट में, तो ऑटोमेटिकली दे विल, हाँ जी, दे विल लीव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, दैट देयर मेन मोटिव वॉज टू गिव लॉस टू ब्रिटिशर्स, लॉस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, लॉस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर में लॉस। कैसे होगा? स्टूडेंट्स स्कूल्स में नहीं जाएंगे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो है, या टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तो वो बंद हो जाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स दे लेफ्ट द ब्रिटिश स्कूल्स एंड मैनी टीचर्स दे गेव रेजिग्नेशन, ठीक है। और क्या होता? बॉयकॉट, बॉयकॉट ऑफ फॉरन प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो, गुड्स भी आ सकती हैं, क्लोथ भी आ सकता है। बॉयकॉट कर देना, चीजों को यूज करने से मना कर देना। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा फॉरन क्लोथ जो है उस टाइम पर में इम्पोर्ट किया जाता था, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग जो थे वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे, वेस्टर्न क्लोथ को फॉलो किया जाता था, वेस्टर्न गुड्स को फॉलो किया जाता था। और अगर लोग इनको फॉलो नहीं करेंगे, इनको नहीं खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लॉस टू ब्रिटिशर्स। एंड मैनी पीपल दे स्टॉप बाइंग दीज फॉरन गुड्स एंड फॉरन क्लोथ, इंस्टेड दे अडॉप्टेड, दे गेव स्ट्रेस ऑन वेयरिंग, वेयरिंग खादी। खादी क्या है? सेल्फ मेड क्लोथ, यानी कि अपनी कंट्री में बना हुआ कपड़ा खादी, जिसके लिए ब्रिटिशर्स जो है उनको काफी लॉस हुआ। और स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट की, ठीक है। और हमने क्या बताना है? लॉयर्स, इंडियन लॉयर्स जो थे, दे गेव अप कोर्ट्स। गेव अप कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? कोर्ट में जाने से मना कर दिया। अब हमारे इंडिया में नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स बहुत कम था, नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा था, तो मोस्टली हमारे ब्रिटिशर्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसमें इंडियन ज्यादा थे। अब इंडियंस अगर काम पे नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी कैसे? तो मैनी लॉयर्स दे गेव अप, गेव अप का मतलब होता है कोर्ट एरियाज में जाना बंद कर दिया, ठीक है। और क्या बताना है आपने? इंडियन पुलिस, ऐसे इंडियंस जो पुलिस में रिक्रूटेड थे, दे आल्सो लेफ्ट, दे गेव रेजिग्नेशन, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो ब्रिटिश पुलिस में ज्वाइन करेंगे तो उनको अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। So that's why many people they oppose and they left the jobs. Indian police जो थी, Indian police मतलब आपको ये बता रही हूँ कि जो Indians British police में थे, ठीक है। और इसके अलावा titles, titles क्या होता है? कुछ names दिए जाते हैं Britishers की तरफ से
जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया नाइटहुड, नाइटहुड का टाइटल, ऐसे ही इंडियंस को दिए जाते थे जो जमींदार होते थे, राय साहब, राय बहादुर, या ब्रिटिश की तरफ से बहुत से अवार्ड दिए गए। ऑल द पीपल हु हैव बीन अवार्डेड बाय द ब्रिटिशर्स, दे सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है वापिस कर देना, सरेंडर द टाइटल्स। टाइटल्स को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, वापिस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या था, लिकर शॉप्स, लिकर शॉप्स, सबसे ज्यादा इनकम ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिकर शॉप से होती थी, जो लोग ड्रिंक करते थे। तो हमारी कंट्री में बहुत से लोगों ने, इवन विमेन, दे स्टार्टेड पिकेटिंग। पिकेटिंग, यहां पे वर्ड पिकेटिंग का मतलब क्या है, ब्लॉक द एंट्री गेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेटिंग हियर, पिकेटिंग का मतलब होता है ब्लॉक द एंट्री गेट, एंट्री गेट को ब्लॉक कर देना। जहां पर लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उन एंट्री गेट्स के आगे अगर लोग ही बैठ जाएंगे तो कोई भी वहां पे नहीं जा पाएगा, और पीसफुली वो बैठ जाएंगे, लोग वहां पे नहीं खरीद पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की इनकम को काफी लॉस हो। और ऐसा हुआ भी, मैनी वीमेन, मैनी पीपल, दे स्टार्टेड पिकेटिंग दीज लिकर शॉप्स, एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाना उनका मेन मोटिव था, ठीक है। तो दिस वॉज अ मेन, यू कैन से, पार्टिसिपेशन बाय द सिटी पीपल। सिटी पीपल का मतलब होता है जो सिटीज में रह रहे थे, उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन, यहाँ पे मीनिंग क्लियर होना चाहिए, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, सिर्फ कॉपरेट नहीं करना। लेकिन कई लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है, उन्होंने नॉन कॉपरेशन का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग लिया। किन्होंने लिया, अब हमने ये ग्रुप पढ़ने कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का जो मीनिंग था, दे टुक द मीनिंग इन देयर ओन वे, उन्होंने इसका गलत मीनिंग लिया। उनके अकॉर्डिंग गांधी राज का मतलब है रूल्स को तोड़ना। नॉन कॉपरेशन में सिर्फ महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि आपने कॉपरेट नहीं करना, पीसफुली बैठ जाओ, मूवमेंट्स करो, प्रोटेस्ट करो, बड़े बड़े बैनर्स लगाओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अटैक करो। यहाँ पर फार्मर्स ने अटैक किया लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है, कंट्री साइड में ट्राइबल्स ने कहाँ पे अटैक किया, फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर। प्लांटर्स ने असम में क्या किया, असम के जो मास्टर्स थे उनके ऊपर अटैक किया। तो ये सारी न्यूज जो है, या चोरी चोरा की जो न्यूज है, ठीक है, इन न्यूज के कारण महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को क्या किया, फॉल ऑफ। फॉलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद कर देना, वापस ले लेना। विड्रू का मतलब ही सेम होता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रू बाय महात्मा गांधी, व्हाई इट स्लो, ये स्लो क्यों हो गई, स्लो डाउन क्यों हो गई, या क्या इनकी प्रॉब्लम थी, क्यों ये लार्ज स्केल पे स्प्रेड नहीं हो पाई, ठीक है, वो हम बताएंगे। महात्मा गांधी जी की जो मूवमेंट थी, हम इसको बाद में भी डिस्कस करते हैं, पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1921 में स्टार्ट हुई और 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। 21 में स्टार्ट हुई और 22 में इसको कॉल ऑफ कर लिया। रीजन क्या था, हाँ, स्लो डाउन। स्लो डाउन में हमने बताना है कि ये मूवमेंट स्लो कैसे हो गई, पार्टिसिपेशन लेस, क्यों लेस पार्टिसिपेशन थी। नंबर वन, खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, खादी जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। हर जो लोग थे या पुअर पीपल जो थे, दे कुडंट अफोर्ड, वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दूसरा, नो अल्टरनेटिव इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल्स को छोड़ दिया तो उनके लिए कोई इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां पर वो जाके एडमिशन लेते। इन्होंने क्या किया, दे ज्वाइन बैक। फिर मूवमेंट्स से भी कुछ लोग फेड अप हो चुके थे, सम पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द मूवमेंट्स। इनका ये मानना था कि जब से महात्मा गांधी जी आए हैं 16 से 17 18 19 20 21, तब तक वो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, इन बिटवीन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जितना हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा एंग्री करेंगे, वो लोगों पे क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, टॉर्चर। तो इन कुछ लोगों का ये मानना था कि मूवमेंट्स की बजाय वो क्या करें, दे शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस।
इनको लगता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरी तरफ इनको कह रही थी कि आप इलेक्शंस कंटेस्ट करो, हम आपको इलेक्शन के राइट्स देते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस में, आप इलेक्शंस के द्वारा लड़ो, जीतो और उसके बाद हमारे साथ बैठकर लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। और बहुत से लोगों ने फिर क्या किया, मूवमेंट्स को छोड़कर ब्रिटिशर्स की इस ट्रैप में फंस गए या उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर ली। मीन्स मैनी पीपल दे लेफ्ट द मूवमेंट। इसके अलावा और आपने क्या बताना है? लिख, हाँ जी, जिन लोगों को लिकर की आदत थी, है ना, जिन लोगों को लिकर की आदत थी वो इलीगल ट्रेड, यानी कि वो इलीगल ट्रेड जो है वो करने लगे। तो अल्टीमेटली जो महात्मा गांधी जी का मेन मोटिव था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गई। ठीक है, और रीजन क्या बताना है? इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा 1922, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनी डाउट बेटा?